हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफिन में। और आज मैं बनाऊंगा लहसुन वाला देसी चिकन। इसको खा के बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालते हैं और जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें ढेर सारी लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और इन कलियों को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ट्राई करिए। बनाने में बहुत ही आसान है। लहसुन हमारा धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मिलाते हैं जीरा और ये कुछ सूखे मसाले। इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं तेल में 20 सेकंड के लिए। फिर हम इसमें मिलाते हैं स्लाइस में कटा हुआ प्याज। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन करें। ऐसे टुकड़ों में टूटा हुआ हरी मिर्च 2 डाल देते हैं स्पाइसीनेस के लिए। इसको मिक्स करें अच्छे से और प्याज को अच्छे से भून के गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज लगभग हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट मिलाएंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसमें मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, छोटे पीसेस में कट किया है इसको। और इसको प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स करें। आसान है रेसिपी, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। एक बार अवश्य ट्राई करें इसे। मिक्स करते रहें इसको 3 से 4 मिनट। फ्राई करने के बाद हम इसमें स्लाइस में कटा हुआ टमाटर मिक्स करेंगे। ये आ गया हमारा टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से भूनना है चिकन के साथ। 3-4 मिनट में टमाटर गल जाएगा और इसकी ग्रेवी टाइप हो जाएगी थोड़ी सी गाढ़ी। अच्छे से भूने तो हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा नमक दे दिया हमने टमाटर को गलने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करें। टमाटर को अच्छे से गलाना है भून के। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी टमाटर को गलने के लिए। थोड़ा सा मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम इसको ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे इसको, जैसे कि टमाटर गल जाए अच्छे से। ढक्कन लगा दिया, 10 मिनट बाद हमने ढक्कन उठाया। टमाटर प्याज सब कुछ गल के एकदम बढ़िया लटपटा ग्रेवी बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लगातार चलाते रहें। इसमें मिलाएंगे मसाले। इसमें लाल मिर्च का पाउडर, यह आ गया हल्दी पाउडर, यह आ गया धनिया पाउडर, यह आ गया काली मिर्च का पाउडर, यह आ गया गरम मसाला। मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हम चिकन के साथ अच्छे से। इतना अच्छा लग रहा है चिकन, इसका कलर, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। एक बार आप ज़रूर बनाएं, आपको पता चलेगा। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए मिलाएंगे थोड़ा पानी। ज़्यादा तरी नहीं होता है, ये हल्का सूखा सूखा लटपटा ग्रेवी होता है। बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे पकने के लिए। 10 मिनट बाद ग्रेवी बन के तैयार है। तेल इसका ऊपर आ चुका है, लगभग अब तैयार है। उसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसको बनाएं और खाएं, मज़े करें, ठंडी में आनंद आएगा। चिकन हमारा बन के तैयार है, देसी लहसुन चिकन। धन्यवाद।